हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रनिंग वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे मेथड जिसके थ्रू आप अमेजन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, आप अमेजन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा पैसे अर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ताकि आपका एक भी स्टेप मिस ना हो और आप भी अमेजन से ईजिली पैसे अर्न कर सको। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट राहुल। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, हम अमेजन से पैसे कमाने की सबसे पहले मेथड की बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला मेथड है अमेजन एफिलिएट। तो ये वन ऑफ द बेस्ट अर्निंग मेथड है, इससे बहुत से लोग बहुत सारे पैसे अर्न कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अमेजन एफिलिएट से पैसे कमा सकते हो ईजिली, एकदम ईजी वे में। तो आपको इसके लिए आपको अपना मोबाइल का ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसमें आपको अमेजन सर्च कर लेना है, amazon.in या फिर अमेजन सर्च कर लेना है। आप इसको अपने पीसी पर भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको अपने पीसी में ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो अमेजन खोल लेना है, कोई ब्राउजर ओपन करने के बाद फिर आपको ऊपर दिख जाएगा amazon.in, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आप जैसे ही इसमें नीचे स्क्रॉल करके आओगे, एकदम नीचे स्क्रॉल, तो यहाँ पे आपको मेक मनी विथ अस का ऑप्शन मिल जाएगा और इसमें आपको बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको अमेजन एफिलिएट का एक नया टैब खुल जाएगा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से आपको न्यू टैब लेना है और अमेजन एफिलिएट सर्च कर देना है। अमेजन एफिलिएट सर्च करने के बाद जो भी आपको पहली वेबसाइट दिखे उसको ओपन कर लेना है। तो इसमें तो इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर एड्स दिखा रही हैं, तो इसको आपको ओपन नहीं करना है। आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करके आओगे तो amazon.in एसोसिएट सेंट्रल की जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है, या फिर आप यहां से भी इसको ओपन कर सकते हो बिकेम एन एफिलिएट पर क्लिक करके। तो इसको क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां से मेरा ऑलरेडी से ओपन है, तो इसको मैं लॉग आउट करके एकदम आपको एकदम अच्छे से समझाता हूं कि कैसे इसमें आपको अकाउंट बनाना है, कैसे आपको अर्निंग करनी है। तो यहां से मैं साइन आउट कर देता हूं अपना अकाउंट, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता के मतलब समझाता हूं कि कैसे आपको इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है एकदम बिगिनर लेवल से। तो यहाँ से आप जैसे ही साइन अप पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से साइन इन हो जाना है अपने अमेजन, जो भी आपका अमेजन का आईडी है उससे आपको अपना यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन हो जाना है। सिंपली साइन इन कर लेना है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपका अमेजन के ऊपर कोई भी मतलब अकाउंट नहीं है तो आप नीचे क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करके अपना अमेजन अकाउंट बना सकते हो। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो इसमें अमेजन में या फिर साइन इन करते हो, तो यहाँ पे अमेजन जो एफिलिएट का कुछ इस प्रकार का टैब आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। तो यहाँ से आपको योर अकाउंट इंफॉर्मेशन दिख जाएगा जो आपने अमेजन में डाला रहेगा, आपका नाम, आपका एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो भी मतलब अमेजन के अंदर आप डाले रहोगे एड्रेस यहाँ पे शो होने लगेगा और आपका नाम। तो यहाँ से बोल रहा है हु इज द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, तो यहाँ से द पे लिस्टेड वो पर क्लिक करना है और नीचे आपको शो हो रहा होगा फॉर US टैक्स परपेज आर यू US पर्सन, तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे हमारा जो मेन काम शुरू होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इंटर योर वेबसाइट्स। तो अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है, कोई भी यूट्यूब चैनल है या फिर फेसबुक पेज है तो उसको आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे मैं अपना फेसबुक पेज ओपन करके इसमें डालता हूँ, डाल के फिर आपको बताता हूँ। आप इसमें अपना फेसबुक पेज भी डाल सकते हो। फेसबुक पेज डालने के लिए तो आपको अपना फेसबुक पेज ओपन कर लेना है, फिर आपको उसका लिंक कॉपी कर लेना है। लिंक कॉपी करने के बाद उसमें आपको डाल देना है। तो यहाँ से हम उस अपना फेसबुक पेज का लिंक कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा फेसबुक पेज, इसका लिंक हम सिंपली कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसमें हम डाल देंगे, डाल के ऐड कर देंगे। अगर आप
आपके पास कोई भी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, तो इसमें आप उसको भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं बस आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बस इसको रहने देता हूँ। आप चाहो तो आपके पास अगर आपका एप्लीकेशन है तो इसको डाल सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। तो यहाँ पे आप अपना एसोसिएट स्टोर आईडी बना लोगे कोई यूनिक नेम डालकर। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं राहुल04। फिर यहाँ पे आपको ये देगा, खुद देगा, बस आपको ऐसे सिंपली डाल देना है कुछ भी। तो यहाँ पे व्हाट आर योर वेबसाइट आर मोबाइल एप्स अबाउट, तो आपके वेबसाइट के बारे में लिखना है या फिर आपका जो भी मोबाइल ऐप्स है उसके बारे में कुछ लिखना है, जो मतलब जो भी आप सेल करवाना चाहो या फिर कुछ भी अपने वेबसाइट के बारे में लिख सकते हो कि किस बारे में आपकी वेबसाइट है। तो सिंपली मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेरा ऑलरेडी से अकाउंट है तो मैं कुछ भी आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से आपको समझ में आ सके। तो इसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ और आपको इसमें डाल लेना है। तो नीचे आपको विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, तो यहाँ पर सेलेक्ट प्राइमरी जो टॉपिक है, आप क्या सेल करवाना चाहते हो, इसमें आपको जो टॉपिक हो उसको चूज कर लेना है। तो यहाँ से हम कुछ भी चूज कर लेते हैं, फोटोग्राफी, तो यहाँ से कुछ भी हम चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बुक्स चूज कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से चूज करने के बाद आपको सेकेंडरी टॉपिक भी चूज कर लेना है, तो हम कुछ भी चूज कर लेते हैं, गेमिंग। तो यहाँ से चूज करने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट टाइप ऑफ अमेजन आइटम डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स, तो किस प्रकार का अमेज़न आइटम आप अपने वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर इंक्लूड करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम कुछ भी चूज कर लेते हैं, जो भी आपको करना हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब बाकी नीचे आ रहा है व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट आर मोबाइल ऐप्स, तो यहाँ से आपका जो वेबसाइट है किस प्रकार का है, उसका कैटेगरी क्या है, यहाँ पर चूज कर लेना है। और यहाँ से फिर नीचे ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपके जो वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आती है, हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, तो यहाँ से हम कर लेते हैं सोशल नेटवर्क SEO। तो यहाँ से करने के बाद तो मैं जल्दी से चूज कर लेता हूँ SEO, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्क और पेड सर्चेस। ये करने के बाद यहाँ पे नीचे हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप टू जनरेट इनकम, तो यहाँ से आप कहाँ से अर्निंग करते हो अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैं गूगल एडसेंस डाल देता हूँ, मैं वहीं से अर्निंग करता हूँ। तो यहाँ से सेकेंडरी भी आपको डाल देना है, मतलब कुछ भी यहाँ पे चूज कर लो जल्दी जल्दी। तो यहाँ से चूज करने के बाद हाउ डू यू यूजली बिल्ड लिंक्स, तो यहाँ से आपको मतलब आप अपना लिंक्स कैसे क्रिएट करोगे इस पर या फिर कैसे करते हो, तो HTML एडिटर हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे ब्लॉगर मैं चूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरी वेबसाइट ब्लॉगर और वर्डप्रेस के ऊपर है। तो यहाँ पे मतलब कुछ भी मायने नहीं रखता कि आप क्या डाल रहे हो, मगर थोड़ा सोच समझ के डालो। तो यहाँ से आपका टोटल यूनिक विजिटर्स पर मंथ कितने हैं, तो मैं डाल देता हूँ 5,000 to 50,000। तो यहाँ से ए हो गया। और यहाँ से बोले व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर ज्वाइनिंग द अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम, आपका क्या मतलब किस वजह से आप ज्वाइन करना चाहते हो, पैसे कमाने के लिए या फिर यूजफुल कंटेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूजफुल कंटेंट फॉर माय साइट। और हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, तो आपको यहाँ पे डाल देना है फ्रॉम द amazon.in साइट या फिर कुछ भी डाल सकते हो, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या डालना चाहते हो। तो मैं डाल देता हूं फ्रॉम द amazon.in साइट। और यहां से आपको कैप्चा फिल करना है, जो ऊपर सेम देख रहा है, मतलब देख रहा है आपको वही सेम इसमें डाल के यहां से कर देना है। तो यहां पे मैं डाल लेता हूं ATC26E। डालने के बाद यहां पे टिक करना है, टिक करने के बाद आपको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद ये लोडिंग ले रहा है, फिर आपको यहां पे योर यूनिक एसोसिएट आईडी मिल जाएगा, जो भी आपका यूनिक आईडी रहेगा यहां पे शो होने लगेगा। तो आप चाहो तो अपना पेमेंट डिटेल, टैक्स इंफॉर्मेशन अभी डाल सकते हो या फिर इसको बाद में डालने के लिए छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम लेटर कर देते हैं, बाद में इसको डाल सकते हैं। तो लेटर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अमेज़न एफिलिएट का कुछ इस प्रकार का आ जाएगा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ से आपको शो हो रहा होगा। तो इस प्रकार का अब हमारी मेन जर्नी शुरू होती है कि कैसे हम इससे पैसे कमाएंगे। अभी तो वो बस छोटा सा ट्रेलर था जो हम अकाउंट बनाना सीख रहे थे। तो अभी हमारी मेन जर्नी शुरू हुई अर्निंग की। तो हमारा अभी अमेजन के ऊपर अकाउंट बना है, अभी हमें वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर डाल के। तो आपको ऊपर स्टोर आईडी आपको मिल जाएगा, एसोसिएट आईडी जो भी मतलब बता रहा था, तो ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इससे पैसे अर्न कर सकते हो। तो आपको पैसे अर्न करने के लिए जो भी आपका फेसबुक पेज बनाया है, वेबसाइट जो भी आपकी है, उस पर आपको इसका सामान बिचवाना है, अमेजन का सामान सेल करवाना है। तो आप ये बिना किसी इन्वेस्टमेंट के कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। मान लो आप कोई LCD सेल करवाना चाहते हो अपने फेसबुक पेज के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर, या फिर किसी को डायरेक्टली सेल करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे LCD या फिर जो भी आप सेल करवाना चाहते हो यहाँ पे सर्च कर देना है। फिर उस चीज़ का यहाँ पे गेट लिंक्स आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर प्राइस भी शो हो रही होगी। अब हम इसको चाहें तो अपने वेबसाइट पर इसका जो HTML कोड है उसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। HTML कोड यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे, आपको जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको HTML कोड मिल जाएगा। आप चाहो तो अपनी वेबसाइट पर इसको लगा सकते हो, इस HTML कोड को। ये लगाने के बाद कुछ इस प्रकार का ऊपर जो LG 19 इंच HD इस प्रकार का दिखेगा। तो आपको अगर ये वेबसाइट वगैरह बनाने आता है तो आप इसको लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे टेक्स्ट ओनली पर क्लिक करना है। फिर शॉर्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद इस लिंक को कॉपी कर लेना है और फिर अपने फेसबुक पेज, वेबसाइट वगैरह कहीं पर भी इसको सेंड करना है। अगर कोई भी बंदा इस लिंक से उस सामान को खरीद लेता है, परचेज कर लेता है, तो आपको सीधे कमीशन मिल जाता है आपके अमेजन एफिलिएट अकाउंट में। तो आप इससे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के किसी और कंपनी के सामान सेल करवा के अच्छा खासा कमीशन पा सकते हो। इससे बहुत सारे बंदे बहुत ही ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। मान लो आपने किसी भी प्रकार का कोई भी लिंक दे दिया अमेजन एफिलिएट का किसी को, अगर आपने अपने वेबसाइट पर लगा दिया और उस पर बहुत सारे विजिटर्स आ गए, आपकी वो पोस्ट रैंक कर गई, अगर बहुत सारे लोगों ने उसको खरीद लिया, तो आप यहां से मालामाल हो सकते हो, बहुत ही ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। तो गाइस, मैंने आपको बोला था कि आप अपना पेमेंट डिटेल बाद में भी चेंज कर सकते हो, बाद में भी उसको सबमिट कर सकते हो। तो आपको अपना पेमेंट मेथड चेंज करने के लिए आपको यहां पर अपने अकाउंट पर क्लिक करना है। जो भी आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो रहा होगा उस पर क्लिक करके आपको अकाउंट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। आपको दिख रहा होगा चेंज योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप यानी कि यहाँ से मोबाइल नंबर भी अपना चेंज कर सकते हो। उसके नीचे चेंज पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ रहा होगा, तो यहाँ से आपको अपना पासवर्ड डाल के, आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी है वेरीफाई करा के अपना पेमेंट मेथड डाल लेना है। फिर आप अपना पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में इजिली ले सकते हो। सो अब हम जान लेते हैं दूसरे मेथड कि कैसे हम बिना इन्वेस्टमेंट के अमेजन से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो हम दूसरा मेथड शुरू करते हैं और जान लेते हैं दूसरे मेथड को। दूसरे मेथड के लिए सबसे पहले तो आपको अपना अमेजन एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। सो गाइस, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेथड है अमेजन से पैसे कमाने का। तो इसको आपको ओपन करने के बाद, अमेजन ओपन करने के बाद आपको अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अमेजन पे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अमेजन पे बैलेंस दिखा रहा होगा, और आप जैसे इसमें नीचे आते हो तो इसमें आपको बहुत सारे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम ऑर्डर 1 रुपये और विन अप टू 500 बैक। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो भी आपको कैशबैक मिलेगा, अगर किसी भी प्रकार का रिचार्ज करते हो तो भी कैशबैक मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना मतलब ऑफर्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं आपको अपना टोटल रिवार्ड्स दिखा देता हूँ कि मुझे कितना टोटल अर्निंग हुई है इससे अमेजन पे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा टोटल कैशबैक, तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल कैशबैक अर्न 7,246 रुपये
और यहाँ से आप देख सकते हो मैंने मार्च में 219 रुपये की अर्निंग की है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑफर्स, गेट फ्लैट 30 रुपीज़ बैक। अगर आप यहाँ से रिचार्ज करते हो मोबाइल रिचार्ज, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के रिचार्ज करना है। जो भी आप रिचार्ज करते हो आपको एश्योर्ड मतलब मिलेगा ही मिलेगा कैशबैक, अगर आप यहाँ से अपना UPI ID यहाँ पे बना के किसी को पैसे भेजते हो यहाँ से UPI से, तो भी आपको मिलता है कैशबैक। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे कैशबैक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरा 7,246 और मेरे अमेजन पे बैलेंस में 423 रुपये अभी पड़े हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला मेथड भी अच्छा लगा होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो पे फॉर शॉपिंग विथ अमेजन पे UPI गेट फ्लैट 50 रुपीज़ बैक। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑफर चलते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोनों मेथड आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।